नमस्कार साथियों, मैं पीके निराला, फिर से आपको द्रोना द विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीटेट 2019 का एग्ज़ाम कब होने वाला है? 7 जुलाई 2019 को होने वाला है एग्ज़ाम आपका, और आपने तैयारी भी जोर से शुरू कर दिया होगा। ठीक है, आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में पता करेंगे जिनके कारण सीटेट में बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जिनके कारण छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं जिसके कारण आपका सीटेट नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में 12 लाख लगभग बच्चे भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन रिजल्ट कितना आता है? मात्र 1 से 1.25 लाख बच्चे पास होते हैं, यानी 15 से 20% रिजल्ट आते हैं। जबकि सीटेट में जो सवाल पूछा जाता है वो डाइट और बीएड से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है आपसे, फिर भी आपके रिजल्ट 15 से 20% ही आते हैं। ऐसा क्या वजह है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जो आपका रिजल्ट बहुत ही कम आता है? उन्हीं गलतियों के बारे में, उन्हीं समस्याओं के बारे में, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो सीटेट की तैयारी है उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम द्रोना द विजन जो कोचिंग है वो ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, और 2012 से लेकर अब तक हमारा इसमें जो अनुभव रहा है उसी अनुभव को मैं आपको साझा करने चाहता हूँ। चाहता हूँ कि दूर दराज के बच्चे इस अनुभव का लाभ उठाएं और सीटेट पास करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 2011 से दे रहे हैं और अभी तक सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं, उनके लिए एक फोबिया बन गया है सीटेट, ये उनके लिए एक फोबिया बन गया है। उन्हीं फोबिया को कैसे दूर किया जाए, उन्हीं रणनीतियों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पहला पॉइंट हम जो चर्चा करेंगे कि सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सीटेट क्यों लाया गया, पहले ये है, क्योंकि सवाल को सोल्व करने का पहले शुरुआत यहीं से शुरू हो गया। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि सीटेट एक परीक्षा है जो हमें दे देना है, जैसे हम एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, दूसरे कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो सबसे अलग एग्ज़ाम है। क्योंकि सीटेट की जो शुरुआत की गई है, लाने के पीछे जो कारण ये रहा कि लोग घर बैठे बैठे डाइट बीएड की डिग्री ले लेते थे, और जिसके कारण क्या हुआ, जो शिक्षाविद थे उन्होंने देखा कि हमारी जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए उन्होंने 2011 से सीटेट का एक जो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम शुरू किया, जिसमें इस किस बात की जांच की जाती है, शिक्षण कौशल का, आपके टीचिंग स्किल की जांच की जाती है, और इसमें इस बात की जांच की जाती है कि क्या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल है कि नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चे की समझ है कि नहीं है। अगर आपको वाकई में समझ है तो सीटेट का सवाल आराम से सही हो सकता है, अगर नहीं है और आपने ढंग से अगर डाइट और बीएड नहीं किया है तो फिर सीटेट आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सीटेट के सवाल को सोल्व करें तो इस बात को ध्यान रखें हमेशा कि हमें सीटेट एक जनरल एग्जाम नहीं है, सीटेट हमें टीचिंग स्किल के बारे में जानना चाहता है, पैडागोजी के बारे में जानना चाहता है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं इसके बारे में जानना चाहता है, और इसके कौन कौन से स्किल होने चाहिए टीचर्स में, उसी बात की जांच करना चाहता है। तो इसीलिए मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। दूसरा जो जो समस्या होती है वो होता है डायरेक्शन का। यहाँ डायरेक्शन का मतलब यह है कि अप्रोच से मतलब है, अप्रोच का मतलब यह है कि जब आप सीटेट का सवाल सोल्व करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि हम किस अप्रोच के तहत सवाल को सोल्व करें। तो हमें अप्रोच नहीं पता होता है कि किस अप्रोच के तहत, किस दृष्टिकोण के तहत हम सवाल को सोल्व करें। जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं जिसके कारण उनका सवाल गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रोच में आपको NCF 2005 के तहत सोचना है, NCF 2005 के तहत सोचना है।
क्योंकि एनसीएफ एक तरह से कहा जाए कि आपके माई बाप हैं, मतलब शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, एनसीएफ 2005, इसी के अनुसार आपको सीटेट के सवाल को सोल्व करना है क्योंकि आपकी शिक्षा नीति इसी पर आधारित है। तो आपका मेन क्या है, डायरेक्शन अप्रोच जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार से। तो तीसरा जो हम पॉइंट डील करने जा रहे हैं वो ये है कि आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी बोलते हैं, वो हम लोग जनरली ये समझते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, 30 नंबर का होता है, जबकि ये 30 नंबर का नहीं होता है। पेपर फर्स्ट में आपका 90 नंबर का होता है और पेपर सेकेंड में आपका 80 नंबर का होता है। तो हम लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी 30 नंबर का होता है, जबकि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट में 90 नंबर का होता है और पेपर सेकेंड में आपका जो है 80 नंबर का होता है। अब इस पर हम एक अलग क्लास देंगे कि आपको बताएंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में पेपर फर्स्ट में 90 नंबर का कैसे होता है, 80 नंबर का कैसे होता है, किस तरह हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह तैयारी करना चाहिए, इसी बात को हम इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आपको एक बात जब परीक्षा देने जाए तो ये दिमाग में रख ले कि चाइल्ड साइकोलॉजी 30 नंबर का नहीं है बल्कि हमें 90 नंबर और 80 नंबर का है। इसकी तैयारी जितनी बेहतर ढंग से होगी सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। ये सीटेट की मूल मंतव्य है ये चीज को। फिर आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस तरह के आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जब सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको प्रश्न बहुत उलझाते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न का स्वरूप जो होता है, प्रश्न आपको दो ही तरह से मिलेंगे, एक फैक्चुअल ढंग से होगा मतलब तथ्यात्मक होते हैं और दूसरा कंसेप्चुअल होता है। सीटेट में जो सवाल होता है फैक्चुअल बहुत कम होता है, कंसेप्चुअल 95% सवाल कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब आपको विचारों पर आधारित होते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, और जिसके कारण बच्चों को बहुत समस्या होती है इस चीज़ को लेकर। बच्चे अब हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करवा रहे हैं, आप भी तैयारी करते हैं, और तैयारी के क्रम में आप क्या करते हैं, तथ्यात्मक प्रश्नों पर तथ्यात्मक ढंग से साइकोलॉजी को पढ़ने का प्रयास, प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्याजे का जन्म कब हुआ, इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं। उनका पूछने का जो सवाल का जो ढंग है अप्लाइड है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उसी के अनुसार सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, अदर टेट देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे 95%। और ऐसे में आप डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं और वहाँ पर आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए आप पहले से ही माइंड को मेकअप कर लीजिए कि हमें कंसेप्चुअल सवालों पर ध्यान देना है, उसके विचारों पर ध्यान देना है, वो क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान देना है, न कि फैक्चुअल चीज़ों को लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो हम चौथा पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया। फिर हम पाँचवा पॉइंट की बात करते हैं, फाइव क्वेश्चन क्या है, जो सीटेट में सवाल जो पूछा जाता है वो प्रश्न का तरीका देखिए क्या है। और मैं कहूँ कि सीटेट का जो प्रश्न पूछने का तरीका और आईएएस में पूछने का, आईएएस के एग्जाम में पूछने का तरीका दोनों का सेम है। पूछने का तरीका, उसका स्वरूप देखिए किस तरह का पूछा जाता है। आपने देखिएगा कि इसका सवाल पूछने का तरीका क्या है, देखिए सही है गलत है, मैं इसी चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। जनरली एग्जामों में क्या होता है, सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट में क्या पूछता है, आपको सही के लिए आपको पूछा जाएगा गलत नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ सही है, यहाँ का पूछेगा सही नहीं है, मतलब सवाल जो वो पूछते हैं, जो स्वरूप होता है, तरीका होता है, वो बहुत ही उल्टा ढंग से।
अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ये आते हुए सवाल भी गलत हो सकता है। इसी तरह इसमें बहुत सारा लाइनिंग है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न का तरीका कैसा होता है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना एग्जाम देने के बाद, ओह मेरा तो ये सवाल गलत हो गया क्योंकि मैंने प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ा। यही वजह है, मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे बताते हैं कि सर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, इसी में आपको ये आएगा उचित, एक उचित आएगा, अनुचित, वैध, अवैध, इसी तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं। जनरली एग्जामों में क्या है, सही और गलत पूछते हैं, निखित में से कौन सा कथन सही है। लेकिन यहाँ इस टाइप के सवाल कम पूछेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे पूछेंगे अनुकूल क्या है, निखित कौन सा कथन अनुकूल है या कौन सा कथन प्रतिकूल है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं प्रतिकूल क्या होता है, हमने तो गलत पढ़ा था, प्रतिकूल कहाँ से आ गया, ये हमने पढ़ा था सही है तो अनुकूल कहाँ से आ गया। कहेंगे युक्ति संगत, अयुक्ति संगत, आपने ये सब नाम सुना भी नहीं होगा लेकिन आपके एग्जाम में ये सब आता है। इसी टाइप के बहुत सारे शब्द है जो मैं अलग से वीडियो बना के अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक रणनीति के तहत समझाना चाहता हूँ कि आप परीक्षा में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। एक गलती आपसे अक्सर बच्चों से यही होता है, जो मैं 10 सालों से यही देख रहा हूँ कि बच्चों में ये समस्या हो रही है और कई बच्चों का क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। इसलिए मैं बताते समय ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे गलती ना करें चीज़ को। तो पांचवा पॉइंट आपने देखा कि प्रश्नों का तरीका क्या होता है। एक जो समस्या होती है, बच्चे हमेशा बताते हैं, हमारे स्टूडेंट बताते रहते हैं कि सर जब हम सवाल को सोल्व करते हैं तो चारों ऑप्शन एक ही जैसा नजर आता है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की, ये कि चारों ऑप्शन एक ही जैसा नजर आता है और बच्चे चार ऑप्शन, कभी 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 तीनों ऑप्शन एक जैसा नजर आता है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्या करें हम इस चीज़ को। तो हाँ ये बात सही है कि सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जो आंसर होते हैं वो चारों ऑप्शन एक जैसा ही लगते हैं बच्चों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको चार नहीं एक ही नज़र आएगा। वो कैसे सोचना पड़ेगा, NCF 2005 के अनुसार सोचना पड़ेगा, NCF 2005 के अनुसार सोचना पड़ेगा। अगर उसके अनुसार सोचेंगे तो आपको एक ऑप्शन ही नज़र आएगा और बाकी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप जिस ऑप्शन को सही कर रहे हैं तो उसके लिए भी ध्यान रखना कि क्यों सही है, क्यों गलत है, ये क्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल का स्वरूप क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इसके लिए हमें क्यों को जानना बहुत जरूरी है। और क्यों को नहीं जान, क्यों सही है, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत, यानी जितना विश्लेषण करेंगे उतना आपका ये सवाल सही होगा। नहीं तो फिर आपको क्या होगा, परेशानी आएगी, फिर चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन एक जैसा होगा, फिर क्या करते हैं भगवान के नाम पर मार देते हैं कोई भी, तो एक समस्या पैदा हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है प्रश्न के स्वरूप को लेकर। एक जो हम सातवां जो डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे, वो पॉइंट ये है कि हम सवाल को सोल्व करते समय एक लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम आता है आपके सीटेट के मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते लैंग्वेज को लेकर। जैसा आपने जानते होंगे लैंग्वेज दो हैं आपके, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। जनरली बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, सही है उनका, ये 99% बच्चे हिंदी लेते हैं, सही, क्योंकि हिंदी मातृभाषा, आप लेख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैंग्वेज सेकेंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लैंग्वेज सेकेंड में उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो यही सोचते हैं कि इंग्लिश ले लें। देखिए इंग्लिश आप जरूर लें, लेकिन इंग्लिश वही ले जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश रहा है, या तो जो इंग्लिश पढ़ के पैसेज को समझ जाते हैं।
चाहे थोड़ा सा मेहनत करके आप इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिसकी इंग्लिश खराब है, जिसकी इंग्लिश जो है ए फॉर एप्पल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चाहे लाइन को समझने में दिक्कत हो रही है, पैसेज को समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उनके उन बच्चों को मैं देखता हूँ इंग्लिश में 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप संस्कृत ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संस्कृत के बारे में किसी को नहीं पता है। लोग संस्कृत का मतलब ये समझते हैं कि संस्कृत तो संस्कृत जैसा आता है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं आता है। इसके लिए आपको एक वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि संस्कृत की जो पैडागोगी है वो कितना हल्का होता है, संस्कृत का पैसेज होता है वो कितना हल्का होता है। इसके संबंध में बहुत सारे शूट्स नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हीं के बारे में कम जानकारी इनको, लेकिन हम लोग संस्कृत का, उर्दू का, आपको इंग्लिश का, पंजाबी भी होता है हमारे यहाँ, ठीक है, बंगाली भी बताते हैं हम लोग, जितने भी अन्य भाषाएं हैं सब में हल्का होता है, कोई भारी नहीं है, क्योंकि मतलब इंग्लिश की अपेक्षा हल्का होता है ये। लेकिन जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश है वो इंग्लिश ही ले, जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है और मेहनत करके इंग्लिश कर सकते हैं तो इंग्लिश ही ले, लेकिन जो उनका इंग्लिश में बहुत समस्या है वो इंग्लिश मत ले, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से भरिए, अगर भर भी दिए होंगे तो उसको करेक्शन का डेट है 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, उसमें सही करें आप उसको, नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या होगी, फिर आपको नहीं तो इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। एक जो समस्या आती है ये कि सीटेट में बच्चे जो तैयारी करते हैं एक सिलेबस को लेकर होता है, ये जो पाठ्यक्रम है। देखिए मैं पाठ्यक्रम के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ ये कि जो सीटेट का जो सिलेबस है वो आपको ड्यू के आधार पर और जामिया मिलिया इस्लामिया के आधार पर बनाया गया है और एनसीएफ 2005 के अनुसार बनाया गया है। जो बच्चे डाइट करते हैं दिल्ली से ये और ड्यू से जो पढ़ रहे हैं, जामिया से पढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्हीं के पैटर्न पर आधारित सीटेट का सिलेबस सेट किया गया है। लेकिन जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो उनका जो सिलेबस है वो बहुत ही परंपरागत ढंग से है जे आज के समय में एनसीएफ के अनुसार सिलेबस को अप टू डेट नहीं किया गया है और जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, समस्या क्रिएट होते हैं। जो अदर इंस्टीट्यूशन से करके आए हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपके मेहनत में कोई समस्या नहीं है बल्कि आपके डायरेक्शन में समस्या है। और डायरेक्शन का मतलब यह है जो ड्यू जामिया एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ड्यू से किए हुए हैं, जामिया से किए, देखो उनके लिए सीटेट कोई समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पैटर्न है और सीटेट का पैटर्न है वो दोनों सेम है, लेकिन आपका जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस है उसका जो पैटर्न है और सीटेट का जो पैटर्न है वो दोनों में जमीन आसमान का, बहुत ही परंपरागत ढंग से पढ़ाते हैं ये लोग, और जिसके कारण इनके यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सीटेट में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए आप लोग अपने अप्रोच के तहत मत पढ़िए परंपरागत जो अदर इंस्टीट्यूशन, बल्कि इनके अनुसार सोचने का प्रयास कीजिए, सिलेबस को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे बच्चे सर ये पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सा पढ़ा जाए, बुक्स के बारे में बताइए। मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं, मैं इतने सालों से इस लाइन में हूं, तो मैं आपको एक ईमानदारी से बताता हूं कि बुक्स जो है मार्केट में कोई भी नहीं है जो सीटेट के डिमांड को पूरा कर सके, सीटेट के डिमांड को पूरा कर सके। सीटेट जैसा सवाल पूछता है उस टाइप का कोई किताब नहीं है, कोई भी किताब नहीं है। और आप हिंदी में किताब देखेंगे, वर्मा, तिवारी, भटनागर, मंगलम, बहुत सारी किताबें हैं, मुझके एक आध चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन बुक्स कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो यहाँ जो सवाल पूछा जाता है सीटेट में वो फॉरेन राइटर्स की जो किताबें हैं वो है, क्योंकि सेटर है वो वर्मा तिवारी शर्मा नहीं पढ़ेगा आपको, वो एक ओरिजिनल बुक पढ़ते हैं, ओरिजिनल बुक से बनाते हैं सवाल को। ये जो इंग्लिश मीडियम में किताब है ये सब चीज़ें वहाँ से बनाया जाता है। जैसे मैं बच्चों को अपने पढ़ाता हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में, वो फॉरेन राइटर किताब से ऑथेंसिटी के साथ और डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आता है परीक्षा में। तो इसीलिए जो फॉरेन राइटर की किताब से हैं उसके अनुसार से अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं,
हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है क्लासेस है, उसमें आप वहाँ से पढ़ के और अपना जो है सही मार्गदर्शन में तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे क्लास कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन बैंक पर काम करिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है ना वो बहुत मददगार साबित होगा। और क्वेश्चन बैंक कैसे बनाइए, बायलिंगुअल, हमारे जो हमारे कोशिश शूट के पास बायलिंगुअल क्वेश्चन बैंक हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं, चाहे नीचे जो फ़ोन नंबर है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे यहाँ इस चीज़ को मतलब लाभान्वित हो सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन पेपर जो है 10-11 साल का उसको लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और तब उसके आधार पर देखेंगे कि आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या माजरा है सीटेट का। बहुत सारे बच्चे जैसे हिंदी में पढ़ रहे, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि बायलिंगुअल पढ़ेंगे सवाल जल्दी समझ में आएगा, सवाल जल्दी निकलेगा ये, तो इसीलिए बुक्स के मैं बता रहा हूँ, फॉरेन राइटर किताब है वो आप पढ़ सकते हैं, और जो क्लासेस है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन उससे आप पढ़ सकते हैं और क्लास ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है वो देख सकते हैं। तो इसीलिए जो किताबें आप मार्केट में देखते हैं वो मेरे समझ से किताब सही नहीं है, उसके अनुसार मत पढ़िए, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप अगर आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, देखिए और क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, नहीं होगा सोल्व आपको। तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिए, बुक्स के संबंध में भी अलग से मैं बताऊंगा आपको और समझाऊंगा। एक चीज़ जो हमें बताना है ये कि जो सीटेट में जो शब्द आते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। देखिए जो सीटेट का सवाल है वो तो इंग्लिश में सेट होता है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पहले सेट किया जाता है, फिर क्या करते हैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट कौन करता है, गूगल बाबा, जो गूगल बाबा है ना बहुत नामी हो चुका है, वो क्या करता है इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, और हिंदी को इतना गंदी तरह से हिंदी को ट्रांसलेट करता है कि कभी कभी तो मुझे भी नहीं समझ में आता क्या लिखा हुआ है, जब इंग्लिश पढ़ते हैं तब समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो 10 साल का पेपर है वो बायलिंगुअल लेकर और छोटे छोटे जो शब्द है शब्दों को पकड़िए, क्योंकि सीटेट शब्दों को बहुत नचाता है, बहुत उसे चलाता है, तो शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, जब तक शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक सवाल सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 10 पॉइंट जो 10वां पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट में आपको ये समझाना चाहूँगा इसमें कि अब अंतिम रूप से आप करें क्या, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक पिछले साल का लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, बायलिंगुअल लीजिएगा जी, एक लैंग्वेज में नहीं बायलिंगुअल लीजिएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो बायलिंगुअल क्वेश्चन बैंक ले, जो हमारे यहाँ है ये आप ले सकते हैं उसको, और लेकर आप मतलब जो है जानकारी ले सकते हैं, उसका आप विश्लेषण कीजिए खूब, क्योंकि सीटेट पढ़ने से नहीं होगा, उसका विश्लेषण करने से होगा, जितना विश्लेषण करेंगे, जितना डिस्कशन करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे, ये सवाल आपको उतना ही हो जाएगा आपका, तो इसलिए विश्लेषण खूब करिए, और हर क्वेश्चन के पीछे ये लगाइए क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं जानते तो सीटेट में बहुत समस्या है, क्योंकि बच्चे जाते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो बहुत सारे बच्चों का अनुभव मिलते रहता है, बच्चे बताते रहते हैं कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ इस तरह के, लेकिन हमारे यहाँ जो कोशिश शूट्स हैं हमारा द्रोना द विजन, अब तक जितने भी बच्चे हुए प्रथम प्रयास में ही पहली बार ही सफल हो जाते हैं, क्योंकि हम रणनीति पर ध्यान देते हैं, हम डिस्कशन पर ध्यान देते हैं, हम एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और बच्चों से बात करते हैं, और जितना हम बात करेंगे बच्चों से सवाल उतना ही सोल्व होता है। हमारे एक एक बैच में कम से कम 200-300 बच्चे होते हैं, लेकिन सभी बच्चों से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे सवालों से हमें पता लग जाता है कि बच्चे कितने समझ रहे हैं, और जब तक नहीं समझेंगे सवाल को नहीं सोल्व कर पाएंगे, इसीलिए आप विश्लेषणात्मक चीज़ों पर ध्यान दीजिए और तभी आपका सवाल सोल्व हो पाएगा। लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा ये
कि जो आपके मन में एक फोबिया जो बना हुआ है और आज हमने जो एक से लेकर दस तक पॉइंट बनाया है, अगर आप इसे एक दो बार वीडियो को देखकर और उसे समझने का प्रयास किए और इसी रणनीति के तहत तैयारी कीजिए आप, ये आपके अंदर जो फोबिया की मनोदशा जो बनी हो, डर जो बना हुआ है, जो 2011 से लेकर अब तक दे रहे नहीं हो रहा है, आपका निश्चित रूप से होगा। मैं 100% नहीं 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से होगा। सीटेट बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन की समस्या है जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, ये यही वजह है कि जो सीटेट में आपको बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसीलिए मैं फिर से आपको इस द्रोना द विजन के तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अब शुरुआत हो गई है हमारे यूट्यूब चैनल से। आपको नए नए वीडियोज मिलेंगे, नए नए रीतियों पर चर्चा करेंगे, टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन होगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे उतना और लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए थैंक यू।